ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 83,59,000 रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि विनय नगर में बनाए जा रहे उपभोक्ता सेवा केंद्र को प्रदेश के आदर्श विद्युत सेवा केंद्र रूप में विकसित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि उपभोक्ता को बिजली संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, ग्वालियर के बिरला नगर में 28,00,000 रुपए की लागत से प्रबंधक कार्यालय बनाया जा रहा है। इसी तरह विनय नगर सेक्टर 3 में बिजली घर में 29,79,000 रुपए की लागत से उपभोक्ता सेवा केंद्र बनेगा, जिसमें बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। निराकरण के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। यह विद्युत उपकेंद्र प्रदेश का सुंदर, स्वच्छ तथा सर्व सुविधा युक्त उपभोक्ता केंद्र बनेगा। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर को 8 MVA किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या का स्थायी निदान होगा। तोमर ने इस अवसर पर यह भी कहा है कि हमें बिजली की बचत की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाना है। तोमर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने के साथ ही मास्क लगाने की सलाह दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।